I'm leaving you with a story which we have mined from Chhattisgarh. It is about Prakash Tank. He is a 12th pass bright youngster mining crypto, setting up in middle of fields. I'm Arun Singh. It's goodbye from my side. 20 kilometers from Rajnandgaon of Chhattisgarh, Prakash Tank of Sukri village goes to the farms like many of his neighbors do. But the only unique thing about him is that he goes to crypto mining farms, situated in the middle of fields growing banana and lemons. हम लोग यहाँ ये GPUs के थ्रू माइनिंग करते हैं इथेरियम की, और करीबन यहाँ पर मैं 500 से 600 GPUs लगे हुए हैं अलग अलग मॉडल्स के. कुछ ही GPUs से हमने चालू किया था इस काम को, और छत्तीसगढ़ इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती भी है, 24/7 बिजली अवेलेबल भी रहती है, और दूसरा यहाँ का मौसम एनवायरमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव है माइनिंग के लिए. मैं भी After passing the 12th standard, Prakash pursued currency trading at NSC, which he left after the financial struggle he faced because of demonetization. His family friend based in the US suggested him to take up mining, which ignited an interest in him, and YouTube tutorials became his best friends. सिखाने वाले तो कोई नहीं थे ना इसके पहले भी. आज आप YouTube में देखेंगे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल सर आपको सिखाने वाले इंस्टीट्यूशंस और ये सब अभी आ गए हैं, बट जब हमने शुरू किया था तब कोई भी सिखाने वाला नहीं था, तो ये सब कुछ हमने अपने आप से ही खुद से ही सीख कर किया है. माइनिंग ये एक काफ़ी अच्छा बिजनेस है, और अभी एक ट्रेडिशनल बिजनेस में बदलते जा रहा है धीरे धीरे समय के साथ में ये, और ये लोगों को रोज़गार भी दे सकता है और लोगों को कमाने का साधन जरिया भी दे सकता है. Prakash has 600 graphics processing units installed at two different sites. Residents of this district, once affected by Naxalism, had never seen a setup like this. लोग नहीं जानते हैं blockchain technology के बारे में, mining के बारे में, तो उनको काफी अजीब और नया लगता था कि उनको समझ ही नहीं आता था कि यह हम कर क्या रहे हैं करके, यह blockchain क्या है, crypto क्या है, but धीरे धीरे awareness बढ़ी, लोगों को समझ में आना भी चालू हो गया है. और अब सबको अच्छा भी लगता है, क्रिप्टो फ्रेंडली एनवायरनमेंट जिस तरह से बन रहा है तो सबको मज़ा भी आ रहा है उसमें. GPUs जो है अब इंडिया में ही मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं इंडिया में, और ये आपको किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर के शॉप में आपको मिल सकते हैं GPUs. करीबन 500 से 600 GPU हैं हमारे पास भी, जिनके अलग अलग मॉडल्स भी होते हैं GPU के, और काफ़ी आसानी से अवेलेबल है इंडिया में. छत्तीसगढ़, popular for its mining of coal, iron ore and diamonds, is treading fresh paths in the crypto mining world. From Chhattisgarh's Rajnandgaon, Zulfikar Ali's report for NDTV.